आप लोग भी सोचोगे आज क्या है, मतलब वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो आए जा रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ अपडेट्स आए जा रही हैं जिसकी वजह से मुझे आपको वीडियो दिखानी ही पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉल टीज़र ड्रॉप हुआ है दृश्यम 2 का। दृश्यम 2 में दृश्यम 1 का जो टीज़र है, इसमें दृश्यम 1 का रिकॉल है, हमको देखने को मिलता है। वही विजय सलगांवकर की कहानी चल रही है, वही पाव भाजी है, वही पीली गाड़ी है, वही तब्बू है, वही मास्टर स्ट्रोक वाली बात कह रही है। तब्बू का कैरेक्टर जो है वो मास्टर स्ट्रोक कह रही है विजय सलगांवकर को। ये एक ऐसी कहानी थी जब हमने देखी थी 2015 में अपनी फैमिली के साथ, तो हमारे दिमाग पूरी तरीके से हिल गया था कि यार वाओ व्हाट अ स्टोरी। बट उस टाइम तक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नहीं पता था कि ये किसी एक मलयालम फिल्म की रीमेक है, वो भी इतनी बड़ी फिल्म की, मोहनलाल सर की फिल्म की ये रीमेक है। लेकिन आज मुझे पता है कि ये रीमेक थी उस टाइम पे, और अभी भी जो बन रही है 18th of November को आएगी, ये दृश्यम 2 की ही रीमेक होगी। नाउ फॉर मी एज अ व्यूअर जिसने मलयालम फिल्म देखी हुई है, वो इतनी मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि मुझे कहानी पता है कि क्या होने वाला है इस वाले पार्ट में। लेकिन वो लोग जिन्होंने मलयालम नहीं देखी है, मलयालम वर्जन नहीं देखा है इस फिल्म का, अमेज़न प्राइम पे होते हुए भी शायद वो इस वक्त भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहली चीज़ ये इस फिल्म का ऑलरेडी अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो लोग सोचेंगे थोड़े दिनों में हम जाके हिंदी वाला ही वर्जन देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब लैंग्वेज की बात आती है, जो इंसान जिस लैंग्वेज में सोचता है, थिंकिंग करता है, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और उससे कनेक्ट कर पाता है। जब ये दृश्यम 2 आई थी, वैसे मेरे और भी सर्कल में लोग थे जो जिनको ये लैंग्वेज बैरियर था, उन्होंने लेकिन ये फिल्म देखी और उनके दिमाग के पर खच्चे उड़ गए थे कि क्या बात है, क्या कहानी है, क्या सीक्वल है। एक सुपर हिट फिल्म के बाद उसका उसी के टॉप लेवल का सीक्वल बना देना ना यार आसान बात नहीं है। और जो इस फिल्म में करके दिखाया है इस मेकर्स ने, अमेजिंग। मतलब जॉर्ज कुट्टी का किरदार दिमाग में ना काफ़ी टाइम तक रहता है कि जॉर्ज कुट्टी का किरदार है। लेकिन यार एक फैक्टर ज़रूर है कि बॉलीवुड कुछ अपना क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों रीमेक्स हो रहे हैं इतने ज़्यादा। अभी ये रीमेक आया है, फिर अजय देवगन भोला लेके आ जाएंगे, उससे पहले वैसे थैंक गॉड आएगी, जिस जो भी जो ऑलरेडी एक रीमेक है राजमौली सर की फिल्म यामाडोंगा का, जो मैंने आपको बताया भी था कि इट इज़ अ रीमेक। मतलब एक ना इन्होंने मल्टीवर्स एक यूनिवर्स ही बना लिया है रीमेक का, स्पेशली अजय देवगन ने इतने सारे रीमेक्स कर करके, तो ये जो ओरिजिनैलिटी एक टाइम पर थी बॉलीवुड की वो ख़त्म हो गई है। और उसी चीज़ को लेते हुए मुझे लग रहा था कि शायद जब दृश्यम 2 आएगी, हो सकता है या तो दृश्यम 2 उतनी उस चीज़ को कर ही ना पाए जस्टिफाई, और या फिर करेगी तो बहुत ही एक ब्लैंड वे में करके दिखाएगी। सो लेट्स सी, टाइम बताएगा क्या होने वाला है। टीज़र रिकॉल टीज़र देखकर मुझे नॉस्टैल्जिया हुआ ज़्यादा। वो जो सीन आता है जिसमें वो कन्फेशन कर रहे हैं अजय देवगन, वहाँ पे वो मुझे प्रटेंशियस लगने लग गए क्योंकि मैं ऑलरेडी ओरिजिनल देख चुकी हूँ, तो मुझे मोहनलाल की मिरर इमेज पता नहीं क्यों बनाने की कोशिश की है, वैसे लग रहे हैं। बट वो मज़ा, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो मेरे को फर्स्ट वाली देख कर हुआ था। सो लेट्स सी इस फिल्म में उन्होंने क्या किया है, वक्त बताएगा। और अगर आपने ये टीज़र, ये रिकॉल टीज़र देख लिया है, तो आपका क्या रिएक्शन है, आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, 18th November को रिलीज़ होएगी, और क्या आपको लगता है कि ये ओरिजिनल को जस्टिफाई कर पाएगी। अपने कमेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स कॉल्ड स्टोरीफाइंग।